हेलो, सो कंटिन्यू करते हैं केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर का ही पार्ट टू। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज में टाइप्स भी होते हैं। सोच जरा, कभी कभी हम जैसे पढ़ते हैं एग्जाम्पल, 2H+O हाइड्रोजन ऑक्सीजन सीधा मिल जाता है, सीधा, और क्या बन जाता है? H2O। ये क्या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो हुआ? ये क्या डायरेक्ट तो मिल गया, एकदम डायरेक्ट मिल गया, इसको बोलते डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट डायरेक्ट कंबाइन हो, ये भी करेक्ट रिएक्शन है। कभी कभी चीज़ें अलग हो जाती है, H2O को ही अगर हम अलग करते हैं, वाटर को ही अगर हम हीट कर दें, तो हीट करने पर H अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये भी क्या है? ये भी क्या है? बेसिकली एक तरह का अलग रिएक्शन है, डिसप्लेसमेंट। हो सकता है किसी एक सब्सटेंस को हटाकर कोई दूसरा सब्सटेंस कंबाइन कर दिया है, डबल डिकम्पोजिशन। तो बहुत तरीके के रिएक्शन होते हैं, तो बेसिकली हमें उन्हें पढ़ना है। कभी डेप्थ का चार तरीके के टाइप हैं, इन चारों को जरा हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं डायरेक्ट कंपोजिट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। सिंथेसिस है ना, सिंथेसिस, सॉरी सिंथेसिस नहीं, सिंथेसिस रिएक्शन। नहीं, बच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड। ओके, यानी यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस ही बनता है, यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस ही बनेगा। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को, इससे ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस बोलते हैं, फिर सिंथेसिस बोलते हैं। जैसे ए और बी अगर ऐड कर दिया तो ए भी बन जाए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। इन दी अबव रिएक्शन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी टेक्स प्लेस टू गिव अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यू सब्सटेंस ए बी। क्वेश्चन क्या हुआ? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कह रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कहते हैं यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं बेसिकली। तो कह रहे हैं दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिया है सीओ का, सिर्फ कार्बन का, ऑक्सीजन का, तो दोनों को मिलाकर क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो वो कह रहे हैं कार्बन का तो बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एक गैसेस कंपाउंड बनेगा, नहीं गैस वाला कंपाउंड बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, दो एलिमेंट जो एक कंपाउंड जो फॉर्म हुए हैं कंपाउंड बनाने के लिए। तो दूसरा क्या है, एफ ई और एक एस है, यानी एक फेरम है, यानी आयरन है और सल्फेट है, उन दोनों को गर्म किया तो क्या बन गया, फेरम सल्फेट। क्या बन गया? फेरम सल्फेट बोलो, आयरन सल्फाइड, बेसिकली आयरन सल्फाइड, सल्फेट भी नहीं है, पार फोर नहीं है, फेरम सल्फाइड या फिर आयरन सल्फाइड है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन में बिटवीन किसके हुआ, आयरन सल्फाइड टू फॉर्म अ सल्फाइड। सर ये समझाने की सारी तो बताओ आप, अगर समझ ही नहीं पा रही, नहीं समझ पा रहे, ये बेसिकली बता रहे हैं, ये बेसिकली बता रहे हैं कि इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक कंपाउंड बनाते हैं। तो दो हैं यहाँ पर, एक कंपाउंड बना है, ये दो हैं यहाँ पर, एक कंपाउंड बना हुआ है, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। से हीट क्यों, एक कंडीशन पड़ी थी ना, वन ऑफ द कंडीशन हीट भी थी, हीट की जरूरत है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। बट वंस वंस स्टार्टेड, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया, हीट कंटिन्यूज एक्सोथर्मली, फिर अपने आप चलती रहती है। वेरियस सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, काफ़ी सारे सॉल्ट होते हैं इस मेथड से बनाए जाते हैं, उन्होंने एक आयरन आयरन क्लोराइड का भी दिया हुआ है, हमें छोड़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि दो एलिमेंट तो होते हैं, मतलब हमने पढ़ा था कि बेसिकली यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे। तो पहला तो केस उन्होंने किसका लिया, कि दोनों के दोनों सब्सटेंस का, दोनों एलिमेंट, दोनों सब्सटेंस का एलिमेंट हो, और हो सकता है वो दोनों सब्सटेंस क्या हो, एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, ऐसे भी हो सकता है।
एलिमेंट वाले कंपाउंड और भी दूसरा एग्जांपल दिया, चलो कंपाउंड कंपाउंड था। हाँ हो सकता है सर, दोनों ही या दोनों से ज्यादा कंपाउंड भी हो सकता है। तो इन सभी केसेस दिए उन्होंने, तीन केसेस दिए हैं बेसिकली। तो एक एलिमेंट है उसे कंपाउंड दूसरे, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कंपाउंड है, कंपाउंड है, और एक ऑक्सीजन है। इसको जब बंद किया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक प्रोडक्ट बन गया। एक सल्फर डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाएगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। दो दूसरे तक कंपाउंड भी मिल सकते हैं। हाँ तो हम दोनों के दोनों कंपाउंड है, अमोनियम भी हाइड्रोजन क्लोराइड भी, तो दोनों से क्या बन गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है एग्जाम्पल दे, एक और एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये दोनों भी कंपाउंड थे, कंपाउंड से बन गए, तो बता रहे हैं। एक वर्ड आया यहाँ पर स्लैग लाइन, क्या होता है इसका यूज होता है फॉर वाइट वॉशिंग, फॉर व्हाइट वॉशिंग। सर व्हाइट वॉशिंग कहते हैं, दिवाली के टाइम लोग तो व्हाइट वॉश जानते होंगे क्या होता है, पेंट कराने से पहले एक व्हाइट कलर की पेंट कराई जाती है, उसको बेसिकली बोलते हैं व्हाइट वॉश, उसी को बोलते हैं। वो किसके बना होता है, वो एक पत्थर से बना होता है, तो पत्थर को बोलते हैं स्लेगड़ में, है ना। वेन अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेगड़ में इज अप्लाई टू द वॉल्स, जब उस स्लेगड़ लाइन का सॉल्यूशन दीवार पर अप्लाई किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करता है धीरे धीरे विद कार्बन डाइऑक्साइड, विद कार्बन डाई ऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइड एटमोसफेयर में होता है, जिससे एक छोटी सी एक पतली सी लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की ऑन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, दीवार पर एक बिल्डिंग बन जाती है। द लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अंदर गिव्स अ साइनिक फिनिश, और ये जो लेयर बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, इससे एक साइनिक फिनिश हो जाती है दीवार पर। ठीक है तीसरे एग्जाम्पल और वो दे रहे हैं, द रिएक्शन ऑफ फूड सिंथेसिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड ग्लूकोज। कुछ नहीं, अभी भी कह रहे हैं दो सब्सटेंस हैं, उन्होंने भी क्या किया है एक प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है एक्सपेरिमेंट, ओके रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, हो रही है। एक ही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, दो एक्सपेरिमेंट, तो कह रहे एक्सपेरिमेंट करो कि सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, सो करो तो कह रहे टेक सम ब्लैक लेड सल्फाइड, आप घर में नहीं यूज करते, वहीं पर कर सकते थे, इसको पढ़ ही लेते हैं। टेक सम ब्लैक लेड सल्फाइड इन टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट, एक ब्लैक लेड सल्फाइड लो टेस्ट ट्यूब और उसको हीट करो। द ब्लैक लेड सल्फेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगी और व्हाइट लेड सल्फेट में चेंज हो जाएगी, तो एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन ओवर अ फ्लेम, एक मैग्नीशियम रिबन का पीस आग को पकड़ के रखो, आप देखो इट बर्न द डेजलिंग व्हाइट लाइट, ये जलेगी और इसमें से व्हाइट व्हाइट लाइट निकलेगी, फॉर्मिंग अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उससे क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये भी क्या एक एक्सपेरिमेंट है, आप करके देख सकते हो घर में, तो नहीं कर सकते बड़े हो जाओ तो आराम से लैब में करने, आप केमिस्ट्री वगैरह देते हो तब। तो पहला हमारा होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन। इनमें कितने पेजेस हैं आपके बेसिकली, अच्छा पूरी नोटबुक से टाइप्स ही हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह के साथ, टाइप्स ही हैं और एग्जांपल्स के साथ। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन क्या है बेसिकली, द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स, जहाँ पर कंपाउंड अलग होते हैं, जहाँ पर कंपाउंड अलग होते हैं दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, है ना। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन ओनली अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज, वो कह रहे हैं जनरली क्या होते हैं, केवल एक ही रिएक्टेंट होता है डिकम्पोज होते हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ सेकेंड सब्सटेंस, और कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होता, जैसे ए बी है, ए बी के साथ और कोई नहीं है, ये आराम से डिकम्पोज होगा, और इसको डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आ सकते हैं। एंड वेरी ऑफन द एक्सेल फिट इज सफिशेंट, और अक्सर
मोस्ट ऑफ द टाइम केवल हीट एनर्जी की जरूरत होती है डिकम्पोज करने में टू कॉज द रिएक्शन टू टेक प्लेस। ए बी डिकम्पोजिस टू गिव प्रोडक्ट सी डी एक्सेट्रा। ठीक है, डिकम्पोजन कम्पोजिशन के केमिकल केमिस्ट्री वाले डेफिनेशन आ गए। डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड आइदर इनटू एलिमेंट्स, या तो ये एलिमेंट्स में टूट सकते हैं या फिर कंपाउंड्स में टूट सकते हैं। सच दैट दीज प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म ओरिजिनल कंपाउंड। और ये ब्रेकअप ऐसा होना चाहिए, ये ब्रेकअप ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि दोबारा से पहले टूटा फिर टूट के दोबारा से जुड़ गए, कंबाइन नहीं, दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होना चाहिए कि दोबारा से पुराने वाले फॉर्म में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिकम्पोजिशन में अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। वो क्या डिकम्पोजिशन जो है वो हीट और लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है और द और बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो सकता है। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच कॉज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन टू क्रिएट अ सिंपल प्रोडक्ट। ओके, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरीके की एनर्जी है जो क्या करती हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करती हैं और सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करती हैं। तो वो कह रहा है इन इन अ डिकम्पोजन रिएक्शन, एक कंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हो सकता है एक कंपाउंड टूटे, ठीक है, एक कंपाउंड टूटे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में, ठीक है, या फिर हो सकता है एक कंपाउंड टूटे और से एलिमेंट दोनों बने, कंपाउंड दोनों ही बने, क्यों एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों ही बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। पहले केवल एलिमेंट्स एलिमेंट्स बने, तब एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों ही कंपाउंड्स बन जाए, दोनों के दोनों ही कंपाउंड बन जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, वो ऊपर वाला एग्जांपल नहीं पढ़ा रहा, मैं दोनों में से कोई एक ही पढ़ा रहा हूँ, दूसरा घर पे पढ़ लेना, ठीक है, मैं इक्वेशन या फिर लैंग्वेज दोनों में से कोई सा भी एक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले कह रहा मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड भी क्या एक कंपाउंड है, इसको आप जैसे हिट करते हो तो एक मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी दो दो एलिमेंट बन गए, दो दो एलिमेंट बन गए। डेल्टा क्या, डेल्टा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चेंज, चेंज, अब वो चेंज किसकी वजह से आया, हीट की वजह से, आप चेंज किसकी वजह से आया, हीट की वजह से। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है एक सिल्वर क्लोराइड, एक सिल्वर क्लोराइड का कंपाउंड दिया हुआ है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज किया गया और डिकम्पोज करके सिल्वर अलग बन गया, क्लोरीन अलग बन गया। तो यहाँ पर भी क्या है, दो सब्सटेंस बन, दो एलिमेंट्स बन गए। तीसरा एग्जाम्पल ये दे रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट वाला, तो वाटर को अगर अलग करते हो तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक है, यह कंपाउंड, कंपाउंड और एलिमेंट दोनों में भी चेंज हो सकते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो पोटेशियम नाइट्रेट जो खुद में एक क्या है, कंपाउंड है, जो खुद में क्या एक कंपाउंड है, कंपाउंड में चेंज होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है अपने आप में एक क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और एक दोनों कंपाउंड ही बन सकते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसको जब हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड ये खुद में क्या है, कंपाउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी खुद में क्या है, कंपाउंड है, तो दोनों बन सकते हैं। फेरस सल्फेट इसको हीट करते हो तो फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों ही क्या हैं, तीनों ही कंपाउंड है, तीनों ही क्या हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। दिस क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, ये बेसिकली टाइप के क्रिस्टल्स के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। दिस क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ऑन हीटिंग ना टेस्ट ट्यूब द चेंज टू वाइट, जब आप इसको एक टेस्ट ट्यूब हीट करते हो व्हाइट कलर में चेंज होते हैं, देन ब्राउन सॉलिड टू ब्राउन सॉलिड में चेंज होते हैं। द गैस कमिंग आउट इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो गैस इनके बाहर आती है वो सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। हैविंग अ सफोकेटिंग पंजमेंट पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, इस स्मेल की वजह से थोड़ा सफोकेशन हो जाता है, अधिक अजीब सी स्मेल एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज ब्रॉट अबाउट अ हीट ब्रॉट एंड रिकॉम्बिनेशन कूलिंग इज थर्मल डिकम्पोजिशन, वो कह रहा है एक नए टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, तो ऐसे ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, होते डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन ऐसे
क्या तो हीट करके जाता है, यानी सो गर्म करोगे तभी ये डिकम्पोजन होगा। लेकिन ये ऐसा होता है कि अगर आप उसको दोबारा से ठंडा भी कर दोगे ना, तो वापस गेट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म नहीं होगा, यानी वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगी। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। यानी डिकम्पोजिशन का ये पार्ट है ना, डिकम्पोजिशन का ये क्या है, पार्ट है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड्स का भी कुछ कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन मेटल कंपाउंड्स का भी हो सकता है। कंपाउंड्स का ही बता रहे हैं ना, कंपाउंड्स का तो दोनों ही आ जाते हैं बेसिकली। डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स बाय हीट, केवल मेटल ही मेटल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स बाय हीट आर बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, वो कह रहा है जो डीकम्पोजिशन जो होता है ये उनकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि रिएक्टिव करने की कैपेसिटी कैसी है। कंपाउंड्स ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, जो रिएक्टिव मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, वो इतनी वो बहुत इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। वाइल लेस रिएक्टिव मेटल कंपाउंड डिकम्पोज रेडली, लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं वो बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, बहुत इजीली क्या कहते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल दिए मेटल हाइड्रोक्साइड के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो बता रहा है अगर इस मेटल हाइड्रोक्स ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग, है ना, एन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड वेपर बनाते हैं, वाटर वेपर बनाते हैं। एक बार पढ़ लेना, मेरे काम से मेरे को लगानी है। ये शायद आपने वो ट्रिक होने होगी याद करने की, अगर ऐसे इंपॉर्टेंट है तो याद करके आप देख लेना, मेरे को लगता नहीं कि मेरे किस काम में भी आएगी, ठीक है। ये कुछ मेटल कार्बोनेट दिए हुए हैं, ये मेटल बाइकार्बोनेट दिए हुए हैं, ये मेटल नाइट्रेट दिए हुए हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन से इन बॉडी, हमारी बॉडी के साथ रिएक्शन होता है क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, यानी कुछ मिलकर अलग होते हैं। हाँ, डाइजेशन ऑफ फूड इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। डाइजेशन ऑफ फूड बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन, देख सकते हो खाना खाते हैं आप, ये खाने के अंदर से जो न्यूट्रिशन थे सारे अलग हो जाते हैं, तो क्या बोले डिकम्पोजिशन ही तो रहा है। स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड वी ईट डिकम्पोज इन टू ग्लूकोज एंड शुगर, जो स्टार्च जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज और शुगर में डिवाइड होकर हमारी बॉडी में फैल जाता है। प्रोटीन्स अंडर को डिकम्पोजिशन टू फॉर्म अमीनो एसिड, जो प्रोटीन्स होता है उसके से अमीनो एसिड भी बनते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर डिकम्पोज टू फैटी एसिड्स, जो फैट्स और ऑयल्स होता है उससे हमारी फैटी एसिड बनता है। एंड फाइनली ऑक्सीडाइज बाय रेस्पिरेशन, ऑक्सीडाइज होकर वो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू निकल जाता है, वो भी बन जाता है। इतनी सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं और पता नहीं चलता, सो अमेजिंग है। कितने एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं उन्होंने, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी दिए हुए थे। टू फोर्स ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल। उसको थर्मल डी डिसोसिएशन, डिसोसिएशन है थर्मल का है, यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो रहने पड़ा ही नहीं है, 26 की वजह कौन सा पेज है ये, 27 ही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पर पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। तो सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टेक सम लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स इन टेस्ट ट्यूब एंड हीट देम। अब ये क्या करूँ, सिलेबस हमें दे देते हैं, हम कैसे करें इसको कोर्स। टेक सम लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स इन टेस्ट ट्यूब एंड हीट देम। द क्रिस्टल फर्स्ट मेल्ट एंड ऑन फर्दर हीटिंग गिव आउट बोथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अ रेडिश ब्राउन गैस एंड अ ऑक्सीजन अ येलो सॉलिड मोनो ऑक्साइड येलो सॉलिड दैट इज लीड लेड ऑक्साइड लेड मोनो ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड द टेस्ट ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब। क्या कह रहा है, आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट क्रिस्टल लीजिए, उसको हीट कीजिए, आप देखोगे क्रिस्टल होगा ना स्टार्टिंग में तो मेल्ट होता हुआ दिखाई देगा,
और आप इसको हीट करोगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हीट चेंज हो जाएगा, है ना। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे दिखाई देगी, वो रेडियस ब्राउन कलर की गैस में दिखाई देगी। फिर एक येलो सॉलिड सब्सटेंस रह जाएगा गैस ट्यूब में, जिसको बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, अभी तो नहीं पढ़ते अभी हमें ना।